मंच पर बैठे और सभा में बैठे सभी लोगों को नमस्कार। हम एक सफल और यशस्वी लेखक, पत्रकार और संपादक को याद करने के लिए इकट्ठे हूँ। हम सबके अपने अपने कारण हैं उन्हें याद करने के। हर किसी की कुछ ना कुछ शिकायतें भी होंगी, लेकिन प्रभाष जोशी हमेशा एक सफल पत्रकार नहीं थे। एक साधारण से परिवार में जन्मे, एक साधारण सा बचपन, और ठीक कहें तो शुरू में वो पत्रकार भी नहीं थे। गांधी विचार पर आधारित ग्राम स्वराज का काम करने के लिए कॉलेज छोड़कर एक गांव में रहने के लिए चले गए थे। वहाँ मास्टरी करते रहे और फिर वो नौकरी भी इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं था। विनोबा भावे पर रिपोर्ट करने के लिए उन्हें पत्रकार बनाया गया और फिर खेलकूद पर लिखने लगे। आज से ठीक 50 साल पहले 1968 में वो पत्रकारिता का कैरियर छोड़कर दिल्ली आए थे, गांधी शताब्दी समिति में प्रकाशन के काम में सहयोग देने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस समूह के मालिक श्री रामनाथ गोयनका ने उन्हें काफी समय तक अपने साथ काम करने के लिए कहा। अंततः वो इंडियन एक्सप्रेस तभी गए जब रामनाथ जी ने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि उन्हें वहां काम करने के लिए कतई अपने मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। रामनाथ जी ने उन्हें जिस तरह के मौके दिए, मेरे ख्याल से बहुत कम संपादक होंगे जिन्हें उस तरह का मालिक मिलता होगा जिसमें इतनी दिलेरी हो, और उनकी स्मृति को एक बार प्रणाम करता हूं मैं। आप में से कई लोगों ने शायद प्रभाष जोशी को कहते हुए सुना हो कि मैंने तो कई बार सुना था कि अपने मूल्यों पर और अपनी समझ के हिसाब से अपना काम करना चाहिए और उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनके उनके काम में, उनके जीवन में आपको अनेक ऐसे निर्णय दिखेंगे जो राय साहब से क्षमा मांगते हुए मैं कहूँगा कि कोई खपती ही लेता है। कई लोग उन्हें बहुत समय तक सिरफिरा मानते थे और लेकिन वो अपने मूल्य का कतई नहीं छोड़ने को तैयार थे, और इसकी जो भी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती थी वो उन्होंने चुकाई, न सिर्फ खुद चुकाई बल्कि उनसे प्यार करने वाले सभी लोगों ने वो कीमत अपनी अपनी तरह से चुकाई है, और उनमें कई लोग यहाँ बैठे हैं। अगर ये भी वो बार बार कहते थे कि हम जो करते हैं वो एक तरह का अपनी बाजी खेलते हैं, अब वो काम करें या नहीं करें,